मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मौजूदा सरकार का आखिरी बजट आज 12:30 बजे पेश करेंगे। सदन में प्रश्नकाल के बीच सरकार और विपक्ष के बीच जमकर हंगामा जारी है। इस बार का बजट सबसे बड़ा बजट माना जा रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार इसे भरोसे का बजट नाम से पेश कर रही है। चुनावी साल कोई नया कर लागू नहीं होने की और अनियमित कर्मचारियों को नियमित करने की उम्मीद जताई गई है। शनिवार शाम मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा था कि आने वाला बजट सपनों को नई हकीकत देने वाला होगा। यह आसमान की नहीं बल्कि जमीन की बात करेगा। बहुत ज्यादा लोक लुभावन स्कीमें न होकर धरातल पर असर करने वाली बातें ज्यादा होंगी। कर्मचारी, किसान, महिलाएं और प्रदेश के शिक्षित युवाओं के हिस्से क्या कुछ आता है, ये मुख्यमंत्री का पिटारा खुलने के बाद ही साफ हो पाएगा। लेकिन उसके पहले चलिए जान लेते हैं कि चुनावी साल में इस बजट से आखिर लोगों की उम्मीदें क्या हैं। तो सबसे पहले तो गरीबों के लिए आवास से जुड़ी कोई सौगात मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। इसके अलावा किसानों की लागत कम हो सके ऐसी छूट दी जा सकती है। लोग ये भी उम्मीद जता रहे हैं कि क्योंकि ये एक चुनावी साल है तो ऐसे में कोई नया कर नहीं लागू होगा और प्रदेश स्तर के टैक्सेशन पर राहत मिल सकती है। इसके साथ ही उम्मीद जताई जा रही है कि स्वास्थ्य सेवाओं में विस्तार, जैसे कि नए अस्पताल और हेल्थ स्कीम के लिए राशि आवंटित करने की उम्मीद लोगों ने बांध रखी है। इन सब के बीच जो सबसे बड़ी उम्मीद यहां पर लोगों की है वो ये है कि कर्मचारियों को नियमित किया जाए। देखना होगा कि भूपेश बघेल सरकार क्या इस बजट में कर्मचारियों को नियमित करने पर कोई फैसला या कोई घोषणा करती है या नहीं। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर भी जोर देने की उम्मीद इस बजट से लगाई जा रही है। तो चलिए अब जान लेते हैं कि पिछले साल के बजट में क्या कुछ खास रहा था। साल 2022 का बजट 1,04,603 करोड़ रुपए का था। इस पूरे बजट में सबसे बड़ा ऐलान पुरानी पेंशन योजना बहाल करने का था। इसके अलावा मूल निवासी छात्रों को व्यापम और पीएससी की परीक्षा में परीक्षा शुल्क से छूट दी गई थी। साथ ही विधायकों की निधि 2 से बढ़ाकर 4 करोड़ कर दी गई थी। इसके अलावा खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने राजीव युवा मितान क्लब के लिए 75 करोड़ का प्रावधान किया गया था। साथ ही 32 हिंदी मीडियम स्वामी आत्मानंद स्कूल खोले जाने का ऐलान पिछले बजट में किया गया था। तो अब देखना होगा कि आने वाले बजट में छत्तीसगढ़ के लिए कौन सी नई सौगातें देखने को मिलती है। वैसे आपकी बजट से क्या उम्मीदें हैं कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और IBC24 के हमारे YouTube चैनल खबर विभाग को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।